माधव नेशनल पार्क को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी 14 करोड़ की बाउंड्री वॉल की सौगात। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को 14 करोड़ की बाउंड्री वॉल की सौगात दी है। शुक्रवार की सुबह किंडी नाका वन विहार कॉलोनी गेट नंबर 10 पर वन विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर बाउंड्री वॉल निर्माण का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता कैलाशवासी माधव राव सिंधिया ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर को बसाने का सपना देखा था, जिसे उन्होंने 10 मार्च को बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व से 2 मादा और 1 नर टाइगर माधव नेशनल पार्क में छोड़कर पूरा किया है। सिंधिया ने कहा कि अभी माधव नेशनल पार्क में 1 नर और 1 मादा टाइगर को छोड़ा जाना, इसी की तैयारी के लिए शिवपुरी शहर की आबादी सीमा से सटे माधव नेशनल पार्क की सीमा को 11 फीट ऊंची दीवार बनाकर सुरक्षित किया जा रहा है। सुनिए क्या कहा सीसीएफ उत्तम शर्मा ने। ये शिवपुरी शहर की सीमा से लगता हुआ हमारा माधव नेशनल पार्क है और हम लोग यहाँ पर टाइगर का पुनर्स्थापना कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चिंता ये थी कि टाइगर अगर माधव नेशनल पार्क में स्थापित होगा तो काफ़ी संभावना है कि वो शहर की तरफ कभी पहुँच जाए, ऐसी कोई मानव एनिमल का कोई द्वंद ना हो। इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि ये शहर की सीमा जो पार्क से लगती है इसको सुरक्षित किया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया का, जिन्होंने इस बारे में बड़ी संवेदनशीलता से सोचा और हमको वो एक दीवार बनाने का जो हमारा प्रस्ताव था कि लगभग 13.5 किलोमीटर लंबी एक पक्की दीवार बने जिससे टाइगर उसको क्रॉस न करता है और किसी भी प्रकार का भविष्य द्वंद न हो, वो माननीय मंत्री जी द्वारा स्वीकृत कराई गई और उसकी राशि भी हमको सैंक्शन हो गई है, उसका एमओयू भी हो गया है और राशि आज उसका भूमि पूजन था। दीवार पक्की दीवार हम लोग बना रहे हैं जो कांटे के तारों से सुरक्षित रहेगी, करीब 11 फीट ऊँची की व्यवस्था रहेगी और इस पर जो कुल व्यय है वो लगभग 13.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगले 6 महीनों में हम इस कार्य को पूरा कर पाएँ, जिससे और भी जो टाइगर माधव राष्ट्रीय उद्यान में लेके आने हैं, 5 में से 3 हम पहले पुनर्स्थापित कर चुके हैं, 2 टाइगर और लेके आने हैं। जैसे ही दीवार का कार्य हमारा पूरा होता है उसके बाद हम 2 टाइगरों को और छोड़ पाएँ। जिन क्षेत्रों में हम लोग टाइगर भविष्य में छोड़ेंगे वो क्षेत्र टूरिज्म क्षेत्र भी है और मुझे लगता है कि टाइगर वहाँ पर आने से टूरिज़्म में बढ़ावा होगा और टूरिज़्म में बढ़ावा पूरे माधव शहर में।